चिकन बिरयानी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये है। ये मैंने 2 किलो चिकन लिया, आप देख सकते हैं, और ये तकरीबन 5 प्याज है, ये मैंने इसे बारीक काट लिया, और ये हमारा खड़ा गरम मसाला है, ये 1 चम्मच जीरा, ये 4 टुकड़ा दालचीनी, और ये 4 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून गोल मिर्च और 1 टेबल स्पून लौंग। आइए, 4 मैंने तेज़पत्ते ले लिए, ये मेरे छोटे छोटे इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं, आपके पास अगर बड़े हैं तो आप 2 पीस ले लें। और ये मैंने एक बड़ा प्याज ब्राउन कर लिया है, और ये मैंने 4 हरी मिर्च ले लिया। ये 1 कटोरी दही है, तकरीबन 200 ग्राम के आसपास है, और ये हमारा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, ये हमारा गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और हमारा लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, और ये 2 टेबल स्पून गोल मिर्च और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिया है लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट, भर भर के लिया। आप इसे थोड़ा ज़्यादा लें, और आप कोशिश करें कि आपका लहसुन अदरक फ्रेश हो और आपका चिकन भी फ्रेश हो। और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब हम चलिए पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल, कि मैं रिफाइंड ऑयल लिया, आप इसे घी में भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ये तकरीबन 100 ग्राम के आसपास मैंने ऑयल लिया, अब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें हम फ्राई करेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे ये खड़ा गरम मसाला, ये सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा टस कर देंगे। इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ऑनियन, ये हमारा बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है अच्छी तरीके से, अब इसमें हम ये अपना चिकन सारा ऐड कर देंगे। ऐसे चला लेंगे, सावधानी से चलाएं, और इस चिकन को अच्छी तरीके से इसमें भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चिकन को 1 मिनट तक भून लिया। आप चिकन को जितना लाल करके भूनेंगे उतना ही चिकन में लाल लाल बूटियां नज़र आएंगी, नहीं तो आपका वाइट वाइट ही नज़र आएगा। अभी हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, ऐसे डाल के भून लेंगे, ऐसे अच्छे से चला लेंगे। तकरीबन इसे हम 5 मिनट तक भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 5 मिनट हो चुका है, मैंने इसे 5 मिनट तक भून लिया अच्छे से। अब जो हमारा मसाला है मैंने उसे पानी में घोल लिया, अब वो इसके अंदर सारे मसाले को ऐड कर देंगे और इसे कर लेंगे मिक्स इस तरीके से, कर लेंगे मिक्स अच्छी तरीके से। अब इसे हम ढककर पकने देंगे 5 मिनट। तो आप देख सकते हैं ये मैंने हरी मिर्च और ये ब्राउन किया हुआ है 2 प्याज ब्राउन किया हुआ, इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर
सभी को डालिए। अब इसे करेंगे आप आयरन। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया। इसमें पानी डालने की जगह पे मैंने दही ऐड कर दिया। इसके अंदर मैंने हाफ दही डाल दिया और ये हाफ दही बच गया, ये मैं चिकन में ऐड कर दूँगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारा चिकन पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन पक रहा है। इसे खोल के देख लेते हैं। मैंने खोल लिया, इसे चला लेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह से भुनना चाहिए और हमारा चिकन भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया। मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड बिल्कुल भी नहीं किया। तो आप भी कोशिश करें हल्दी ना डालें। अभी मैंने जो मसाले पीस लिए वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और लो फ्लेम पे ही ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे ऐड करेंगे तो हमारा दही फट जाएगा। तो अब ये मैं दही भी ऐड कर दूँगी। मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे मिक्स कर लें। ये हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका। अब इसे हम ढक के 5 मिनट और पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा 5 मिनट हो चुका है। खोल के देख लेते हैं। वाव, देखो कितना बढ़िया लुक आया इसका। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है तो हमें हमारा चिकन भी है एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो बस अब हम इस स्टेज पे आके इसे ऑफ कर देंगे। और ये बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे ऑफ कर देंगे। चलिए आप चावल पका लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने चावल के लिए एक बड़ा पतीला लिया। ये मोटे तले वाला है। आप कोशिश करें कि आपका तला जो हो पतीले का वो मोटा हो, उसमें आपकी बिरयानी जलेगी नहीं और अच्छी बनेगी। मैं 1.5 किलो चावल ले रही हूँ। 1.5 किलो चावल के लिए मैंने इसमें 4 लीटर पानी ऐड किया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, ये मैंने 5 चम्मच इसमें नमक ऐड किया। आप इसमें नमक टेस्ट डालें ताकि आपका चावल में नमक अच्छा लगे, नमकीन चावल हो जाए। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि हमारा चावल चिपके नहीं, बिल्कुल खिला खिला बने। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दालचीनी। तो आप ये देख सकते हैं ये मैंने 2 टुकड़े दालचीनी ले लिए, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पानी में बॉयल आ गया। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये चावल मैंने इसे आधा घंटा भिगो दिया। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। और इसे ढककर पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा चावल बॉयल हो चुका है। हम इसे 80% या 90% कुक करेंगे, 100% कुक नहीं करेंगे। 10% हमारा दम पे हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी आसानी से नहीं टूट रहा, यानी कि अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, वो इसमें ख़त्म हो जाएगी। तो इसे हम पानी से निकाल लेंगे। 2 मिनट और हम इसे कुक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने चावल को पानी से निकाल लिया और ये 80% कुक हो चुका है। अब हम इसमें से हाफ चावल निकाल लेंगे और चिकन का लेयर लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें से चावल निकाल लिया। अब मैं एक लेयर इसमें चिकन लगा लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तरीके से एक लेयर चिकन डाल देंगे। अब
और थोड़ा सा मसाला डाल देंगे। ये मैं मसाला डाल दिया, अब मैं बचे हुए चावल इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। इस तरीके से मैं दो लेयर लगाऊंगी इस तरीके से। अब इसमें बचे हुए चावल सारे ऐड कर दें और इसे अच्छे से फैला लें। तो आप देख सकते हैं बाकी के बचे हुए भी मैंने डाल दिया और ये इसके ऊपर चावल दो लेयर लगा दें और इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे। तरीके से फैला दें अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमारा, और ये मैंने दो नींबू निचोड़ लिया और इसमें मैंने फूड कलर ऐड कर दिया और इसे हम तरीके से डाल देंगे और इसमें हम छिड़क देंगे पुदीना। पुदीना से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया पत्ता। मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने प्याज ब्राउन कर लिया। आपको अगर पसंद है तो आप इसके अंदर ऐड करें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसे अच्छे से कवर करके ढककर पका, ढककर इसे दम पर रख देंगे। दम पर का तकरीबन अब हम इसे ढककर दम पर रख देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट पका लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है, अब हम इसे खोल लेंगे। तो ये देखें कि हमारा बिरयानी का टेक्सचर कितना बढ़िया आया। वाह, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मैं फ्लेवर के लिए 2-3 चम्मच गाय का घी इसके ऊपर से ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ सकता आता है। तो ये देखें, मैं साइड से तो थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। तो आप देख सकते हैं हमारा बिरयानी, चिकन बिरयानी रेडी है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।